When a missile is fired from a ship, the probability that it is intercepted is 1 by 3. The probability that the missile hits the target given that it is not intercepted is 3 by 4. If 3 missiles are fired independently from the ship, the probability that the 3 hits the target. So, सबसे पहले तो, target को hit करने के लिए क्या condition होनी चाहिए? कि वो, क्या होना चाहिए? The probability that it is not intercepted होना चाहिए, ठीक है? और not intercepted. तो अगर मेरे पास में पहला मिसाइल है, let's say जो first missile 1 है, उसको वो hit करेगा, उसकी probability क्या होगी? सबसे पहले, non-intercepted होने की probability. Intercept होने की probability 1 by 3, तो non-intercept क्यों देगी? 1 minus 1 by 3. और फिर, उसके बाद, उसके target को hit करने की probability कितनी देगी? 3 by 4. तो value कितनी जाएगी यहाँ से? 2 by 3 into 3 by 4. तो ये cancel out होगी क्या देगा? हर पास में value 1 by 2. तो अब, ये missile 1 के लिए independent है. अब missile 2 भी अगर target को hit करेगा, तो probability कितनी होगी? Same. पहले तो intercepted नहीं हो, 1 minus 1 by 3. और उसके बाद उसके हिट करने की प्रोबेबिलिटी 3 by 4 तो देगा 1 by 2. एंड ऐसे अगर मैं मिसाइल 3 के लिए देखूंगा तो क्या देगा? मिसाइल 3 इज आल्सो इक्वल टू 1 by 2. अब हमें गिवन है कि 3 मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द शिप, द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 हिट्स द टारगेट. तो पहले मिसाइल के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1 by 2, दूसरा भी हिट करेगा 1 by 2 और थर्ड भी हिट करेगा 1 by 2. तो ऑल 3 मिसाइल्स हिट करेंगे तो कितनी जाएगी प्रोबेबिलिटी? 1 by 8 के इक्वल. So this is the answer for this question, 1 by 8, option B.